दो नंबर में भी चल रहे हैं, देखिए यहाँ दो नंबर दिखा रहा है कि आप दो नंबर में चल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम तीन लगाएंगे ये दिखा देगा हम तीन नंबर में चल रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्रेक क्लच दबाना है, ठीक है, और ब्रेक लेना है, और ब्रेक ले करके गाड़ी को ऐसे साइड में लगाना है। ये आपका एक्सेलेटर पैडल हो गया, ब्रेक पैडल, और यहाँ आपका क्लच पैडल, ठीक सकते हैं। ये इधर से करके ये इधर पूरा कर देंगे तो एक नंबर लगेगा, इधर से ऐसे इधर पूरा कर देंगे तो देखिए रिवर्स लग गया, ठीक है। ऐसे सीधे बस ऐसे ठेल देंगे तो ये दो नंबर, और सीधे इधर ऐसे नीचे कर देंगे तो तीन नंबर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑटो टेक इंडिया ए टू जेड। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप आयशर गाड़ियां कैसे चला सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है दोस्तों, अगर आप कार बाइक वगैरह अगर चलाते हैं तो ये बहुत बिल्कुल आसान है। आप थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप प्रॉपरली इसको चला सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको इस गाड़ी के बारे में बता देते हैं दोस्तों। ये BS6 की 2095 XP गाड़ी है, ये BS6 की वेरिएंट के, ये आयशर की हॉलेज गाड़ी है। तो आज इसी के साथ हम लोग ट्रायल करने वाले हैं, इसी के साथ हम सीखने वाले हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं ये आयशर की चार चक्कों वाली गाड़ी है। तो चलिए आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से आपको इस गाड़ी के अंदर लेके चलते हैं। अपन आपको अंदर ले करके चलते हैं। तो सबसे पहले गेट खोलेंगे, ठीक है। ये सीट है, ड्राइवर सीट है, यहाँ से आपको ड्राइवर सीट को एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, जैसे ये आप यहाँ से ड्राइवर सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। ये आपका एक्सेलेटर पैडल हो गया, ब्रेक पैडल, और यहाँ आपका क्लच पैडल, ठीक। यहाँ पे आपका क्लच पैडल हो जाता है, ये आपका इग्निशन स्विच, ठीक। गियर लीवर, हैंड ब्रेक, ठीक है। ये आपका ऊपर अब हम चढ़ लेते हैं, ये स्टेयरिंग, ठीक है। यहाँ से आप स्टेयरिंग को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से ये करके आप ये स्टेयरिंग को अप डाउन ऊपर नीचे कहीं भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने स्टेयरिंग को एडजस्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ से करेंगे अपन चाबी ऑन, ये ऑन पोजीशन पे पहले चाबी आ गया। देखिए यहाँ आयशर वेलकम के साथ हमारे गाड़ी में पावर आ चुका है, ठीक। अब सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारी गाड़ी न्यूट्रल है कि नहीं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं रिवर्स, वो एक दो तीन और ये चार पाँच, पाँच गियर की ये गाड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गाड़ी चेक करेंगे कि न्यूट्रल है कि नहीं। तो न्यूट्रल चेक करने का क्या प्रोसेस है, ये देखिए यहाँ इधर लीवर एकदम पूरा मूव कर रहा है इधर से उधर, मतलब ये गाड़ी न्यूट्रल है। अभी इसको अगर हम गियर में डाल देते हैं, अगर गाड़ी गियर में रहेगी तो देखिए ये मूव नहीं कर रहा है, ये एकदम जाम है, फिक्स है, तो मतलब ये गाड़ी अभी गियर में है, ठीक है। इसको ये न्यूट्रल कर दिए तो ये देखिए इधर चला गया, इधर चला गया। इससे पहले आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी गाड़ी न्यूट्रल है, ठीक है। फिर ये यहाँ आपका हैंड ब्रेक है, देखिए ऑन और नीचे ऑफ, ये लीवर उठा हुआ है मतलब ऑन है। इसको अभी ऐसे डाउन कर देंगे नीचे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये गियर के बारे में आपको बता दिए हैं, तो चलिए अब ये हमारा चाबी भी हो चुका है ऑन, तो अब इसको हम करते हैं क्रैंक, ठीक। तो अब सबसे पहले गाड़ी को, गेट को हमने कर लिया बंद, अब गाड़ी को करते हैं ये स्टार्ट। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये देख रहा है पार्किंग ब्रेक, ठीक ना, मतलब ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये आपका ब्रेक है, ठीक है, ये आपका एक्सेलेटर है और ये क्लच। तो सबसे पहले हल्का ब्रेक को प्रेस कर ले ऐसे, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे कि ब्रेक तभी प्रेस करना है जैसे घाट वाट पे गाड़ी हो, थोड़ा बहुत अप डाउन पे हो, तो जैसे हैंड ब्रेक आप छोड़ाएंगे ना तो गाड़ी आगे पीछे होने लगी है, इसलिए आप हल्का पहले ब्रेक को ऐसे प्रेस कर लें। उसके बाद यहाँ से ये आप इसको ऐसे ऐसे ऊपर हल्का उठा करके खींच के और इसे छोड़ देना है, ये खुद ही चला जाएगा नीचे, ठीक। उसके बाद अब दबाना है क्लच, ये आपका क्लच आप देख रहे हैं, ये आप क्लच देख पा रहे हैं, यहाँ से आपको दबाना है, यूँ क्लच दबाया और ये लगा दिया हमने दो नंबर, ठीक है। ये यहाँ से हमने पूरा क्लच दबा लिया है, ठीक है, और यहाँ से अभी लगा दिया हमने दो नंबर। एक्चुअल में क्या है, ये हैवी ड्यूटी की गाड़ियाँ होती हैं तो एक नंबर में इसमें लगाने की ज़रूरत होती नहीं, एक नंबर में बहुत ज़्यादा पावर होता है, तो हमने सीधे लगा दिया दो नंबर। चाहे तो आप एक नंबर भी लगा सकते हैं, ये इधर से करके ये इधर पूरा कर देंगे तो एक नंबर लगेगा, इधर से ऐसे इधर पूरा कर देंगे तो देखिए रिवर्स लग गया, ठीक है। ऐसे सीधे बस ऐसे ठेल देंगे तो ये दो नंबर, और सीधे इधर ऐसे नीचे कर देंगे तो तीन नंबर,
और ये इसको इधर पूरा दबा कर ऐसे लगा देंगे तो 4, और इधर से ऐसे पूरा दबा करके पीछे कर देंगे तो 5, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम पहले 2 नंबर लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये कर दिया है ब्रेक रिलीज़, ठीक है। अब देखिए हम एक्सेलेटर पे पैर नहीं रखते हैं, एक्सेलेटर बाहर है और धीरे धीरे छोड़ते हैं बस क्लच। देखिए हमारी गाड़ी आगे बढ़ने लगी, देखिए एक्सेलेटर नहीं दबाया है फिर भी गाड़ी आगे बढ़ रही है। 2 नंबर में अभी चल रहे हैं, देखिए यहाँ 2 नंबर दिखा रहा है कि आप 2 नंबर में चल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम 3 लगाएंगे ये दिखा देगा हम 3 नंबर में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है दिक्कत। जैसे ही हम 4 नंबर लगाएंगे तो देखिएगा यहाँ 4 नंबर आपको दिखा देता है, ठीक है। 5 लगाएंगे तो आपको 5 दिखा देगा कि हम 5 नंबर में चल रहे हैं, ठीक ना। जो भी नंबर आप लगाएंगे वो नंबर यहाँ आपको शो कर जाता है, मेंशन हो जाता है। अब क्या है दोस्तों, आपको गाड़ी रोकना है। जैसे आप चल रहे हैं अब आपको कहीं गाड़ी खड़ा करने की ज़रूरत है, पार्क करने की ज़रूरत है। तो आप पार्क करने की क्या कर सकते हैं, आप क्लच दबाना है, ठीक है, और ब्रेक लेना है, और ब्रेक लेकर के गाड़ी को ऐसे साइड में लगाना है, ठीक है। ये देखिए ब्रेक, सबसे पहले क्लच को दबाना है उसके बाद फिर ब्रेक को, ठीक। गाड़ी खड़ी हो गई, गाड़ी खड़ी हो जाने के बाद सबसे पहले इसको क्या करना है अपने को, न्यूट्रल पोजीशन पे करना है और उसके बाद इसमें लगा देना है ये हैंड ब्रेक, ठीक है। न्यूट्रल करने के बाद ये हैंड ब्रेक लगा दीजिए, उसके बाद आप गाड़ी को छोड़ सकते हैं, गाड़ी से उतर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हैंड ब्रेक लग गया है, ठीक, गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन में आ गई है, यहाँ आपको दिखा रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।